रोड में होने वाली जेडीए की कार्रवाई की, जहां जेडीए की बड़ी कार्रवाई, 615 मकान दुकान आज ध्वस्त होंगे। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर सांगानेर पुलिया तक चौड़ी होगी सड़क, 200 फीट चौड़ा किया जाना है प्रस्तावित न्यू सांगानेर रोड। मास्टर प्लान 2025 में 200 फीट चौड़ा है सेक्टर रोड। हाईकोर्ट के आदेश पर जेडीए ध्वस्त कर रहा है निर्माणों को। जेडीए के नोटिस के बाद कई निर्माणकर्ताओं ने पहले ही हटाए अपने निर्माण। जेडीए ने आज तक लोगों को निर्माण हटाने का दिया था अल्टीमेटम। जेडीए ने बढ़ाने के लिए जेडीए का एक्शन। 615 मकान दुकान आज ध्वस्त होंगे। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर सांगानेर पुलिया तक चौड़ी होगी सड़क। जेडीए के नोटिस के बाद कई निर्माणकर्ताओं ने पहले ही हटाए अपने निर्माण। जेडीए ने आज तक का लोगों को निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया था। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जेडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है और दुकान मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। जेडीए का पीला पंजा चलना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी न्यू सांगानेर रोड से, जहां जेडीए का पीला पंजा चलना शुरू हो गया है और दुकान मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, हम सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यू सांगानेर रोड से, जहां जेडीए का पीला पंजा अपना काम करना शुरू कर दिया है और दुकान मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। एक हादसा भी यहां हुआ था। पालना को लेकर आज अभियान शुरू कर दिया गया है। हालांकि अब तक समझाई का दौर जो है वो प्रभावित होकर किया जा रहा था। अब जेडीए की ओर से सांगानेर रोड की चौड़ाई जो है 200 फीट करने को लेकर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर रेलवे ओवर ब्रिज तक का काम किया जा रहा है। 120 खाली दिन कार्रवाई के लिए गोदाम दुकान और ज्यादा जो है मकानों की चार दीवारी को आज ध्वस्त किया जाएगा। लगातार तमाम टीमें जो है वो यहाँ पर जुटी हुई थी, लगातार प्रयास किए जा रहे थे। हालांकि विरोध माना जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध जो है वो पूरी तरह थम चुका है। ये माना जा रहा था कि स्थानीय लोग जो है वो अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। हालांकि मौके पर तमाम जिलों की भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर जुट रही है, क्योंकि लोग जो है वो उत्सुक है कि आखिर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या कोई विरोध होगा। लेकिन बड़ी संख्या में ज्ञापन पुलिस कमिश्नरेट से जाप्ता यहाँ पर मंगवाया गया है। जेडीए प्रशासन जाप्ता जो है वो यहाँ पर है। जेसीबी लोखंडा मशीनों से लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि एक हादसा जो है इस दौरान हुआ था, एक शख्स जो है वो ट्रैफिक पोल के नीचे दबा था, क्योंकि अतिक्रमण हटाने के दौरान ट्रैफिक पोल के नीचे वो दबा था, इसे हटा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। लेकिन फिलहाल मौके पर किसी तरह की कोई स्थिति जो है वो बनती नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा अभियान जो है वो यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। कई दिनों तक ये अभियान जारी रहने वाला है, क्योंकि आज पहले दिन ही करीब 150 से ज्यादा जो है अतिक्रमणों को हटाने को लेकर यहाँ पर चिन्हित किया गया था और कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। धीरे धीरे जेडीए का हमला जो है वो आगे बढ़ रहा है। हालांकि कई जगह लोग जो है वो इस बात को लेकर नजर आ रहे थे कि किस तरह की कोई विरोध ना हो, विरोध हो सकता है, लेकिन अब तक किस तरह का कोई विरोध जो है वो नजर नहीं आया है। कैसे में माना जा सकता है कि शांतिपूर्वक तरीके से जेडीए की जो अभियान है, जो हाईकोर्ट के आदेशों की पालना को लेकर अभियान चलाया जा रहा था, वो आगे जारी रहने वाला।
विवेक, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज जेडीए कार्रवाई कर रहा है जबकि ये निर्माण कार्य कई सालों से यहाँ पर है। हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया लेकिन जेडीए संज्ञान नहीं ले पाया इस पूरे मामले पर अब तक, और अब जब निर्माण हो गए उसके बाद अपना ये पीला पंजा चला रहा है, कार्रवाई कर रहा है। 2025 के मास्टर प्लान में शामिल था और लगातार जो है 230 करोड़ तोड़ाई थी, लेकिन इस पर अतिक्रमण कर लिया गया था और अभी भी अतिक्रमण हटाने के दौरान जब नोटिस जारी की गई थे तो व्यापारियों का यही कहना था कि ये निर्माण जो है वो रातों रात नहीं किया गया है। बड़ी संख्या में लोग करोड़ों रुपए लगाकर अपने आवास, दुकान और गोदाम बनाए हैं। लोग जो है वो आज काबिज नहीं हुए। जब ये निर्माण कार्य किया जा रहा था तब उस वक्त आखिर जेडीए ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी और अब करोड़ों रुपए के निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, तो इसको लेकर के विरोध जरूर था। लेकिन अब ये माना जा सकता है कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी और हाईकोर्ट के आदेश की पालना जो है वो यहाँ पर करना सुनिश्चित कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर ये जरूर माना जा सकता है कि सरकार पर जो प्रभावित परिवार है उनका गुस्सा जरूर टूटेगा, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना जो है वो सरकार को कराई जानी है। कच्चे से पालना कराने के लिए आज जो है अतिक्रमण हटाने का अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया, तो जरूर माना जा रहा है कि विरोध सरकार को जरूर झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन विवेक ये जो कार्रवाई हो रही है क्या इसमें अब तक किसी तरह का कोई विरोध व्यापारियों का सामने आया, क्योंकि व्यापारी मुआवजे की मांग इसमें कर रहे हैं, उन्होंने यूडीएच मंत्री से भी मुलाकात इसको लेकर की थी, लेकिन हालांकि कोई आश्वासन नहीं मिला इस तरह का, लेकिन जो वो जो उनकी मांग है मुआवजे की, क्या उस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है किसी की? विरोध यहाँ पर देखने को मिला, वो भी ये था कि वो कुछ देर तक निर्माण हटाना चाह रहे थे लेकिन जेडीए की ओर से वहाँ पर रोक चला दी गई, लेकिन बड़ा स्तर पर किसी तरह का कोई विरोध जो है वो अब तक सामने नहीं आया। हालांकि व्यापारी वर्ग जो है वो कई दिनों से लगातार सरकार के स्तर पर चर्चा कर रहा है और ये माना भी जा रहा था कि विरोध झेल ना पा सकता है, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई की गई थी, नोटिस पहले जारी कर दिए गए, आपदा मौके पर बुलाया गया है, तो उसको लेकर के जरूर माना जा रहा है कहीं ना कहीं जो विरोध कर रहे थे, जो व्यापारी विरोध कर रहा था वो भी कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन के दबाव में नजर आ रहा है और हाईकोर्ट के जो आदेश थे तो राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को जो है हाईकोर्ट के आदेशों की पालना कराई जानी है, तो ऐसे में हाईकोर्ट के आदेशों की पालना की दुआई देकर जेडीए प्रशासन जो है वो लगातार कार्रवाई करता जा रहा है, धीरे धीरे जो कार्रवाई के लिए दस्ता जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विवेक, अब जिस तरह से पुलिस जाब्ता भी तैयार है और तोड़फोड़ की कार्रवाई भी शुरू हो गई है, ऐसे में एक सवाल ये कि 200 फीट इस रोड को जरूर चौड़ा करना है, तो अभी कितनी तोड़फोड़ होगी, कितने फीट तक तोड़फोड़ की जाएगी, फिल वक्त में यहाँ के रोड की स्थिति कितनी चौड़ी है, कितना चौड़ा इस वक्त रोड है और कितनी और तोड़फोड़ की जानी है? करीब 6.5 फीट का लंबा जो है ये सड़क मार्ग है जिसको चौड़ा किया जाना है। इससे पहले ये काफी जो सड़क है हालांकि काफी थोड़ी थी, लेकिन फिर भी जो मास्टर प्लान में जितनी चौड़ाई दिखाई गई थी वही चौड़ाई जो है वो मौके पर यहाँ पर की जानी है, उसी को लेकर के कार्रवाई जो है वो जारी है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार प्रभावित परिवार की ओर से गुहार लगा रहे थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे, जावर से खर्रा से वो मिले थे, जेडीसी से मिले थे, लेकिन कोर्ट के आदेशों की हवाला देकर अब तक जो है उन्हें किसी तरह की कोई राहत नजर नहीं आई है और जेडीए प्रशासन पर दबाव है कि हाईकोर्ट के आदेशों की अक्षर से पालना की जानी है, तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर अब प्रभावित है निर्माणों को ध्वस्तीकरण का सिलसिला जो है वो जेडीए ने शुरू कर दिया है और ये जाहिर सी बात है कि विरोध पहले जरूर हो रहा था लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, जो नियम जो निर्माण है उसको लेकर एक नजीर भी यहाँ पर पेश की जाएगी कि चाहे कोई भी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो लेकिन उसे अब जो है नियम और संविधान के अनुसार जो है काम करना होगा। अतिक्रमण अगर साबित होगा, अतिक्रमण किया जाएगा या नियम विरुद्ध निर्माण किया जाएगा तो उसको नियमानुसार ध्वस्त भी जो है किया जा सकता है, इसको लेकर के नजीर यहाँ पर कोर्ट और जेडीए प्रशासन की ओर से भी नजीर के साथ पेश किया गया। जी विवेक, तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, हो रही है तोड़फोड़, अब कहीं ना कहीं प्रशासन ये मान चुका है कि ये अतिक्रमण है,
हाईकोर्ट ने भी मान लिया कि लोगों ने यहाँ अतिक्रमण किया है और अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है, क्या अब ऐसे में क्या व्यापारियों पर इस कार्रवाई को लेकर कुछ तरह का जुर्माना भी लगाया जाएगा? हटाने का काम पहले किया जाए, किसी तरह का कोई विरोध ना हो, शांतिपूर्वक तरीके से कार्रवाई निपटा ली जाए, फिर उसके बाद आगामी प्रक्रिया जो है कि हालांकि अब भी व्यापारी वर्ग और इसी मांग को लेकर लगातार सरकार से वार्ता कर रहा है कि जो उनके निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए का निर्माण कार्य उनका हो चुका है, तो उसको सरकार जो है मुआवजा दे, उससे है और इससे बड़ा जो आर्थिक बोझ जो है वो उन पर ना पड़े, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वार्ताओं का दौर जो है वो जारी रहने वाला है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि प्रभावितों को मुआवजा किया जाए या उनको राहत नहीं दी जाए। तो ऐसे में पहला काम जो है वो हाईकोर्ट के आदेश की पालना है, हाईकोर्ट के आदेश की पालना करा ली जाएगी, उसके बाद जरूर माना जा सकता है कि राज्य सरकार जेडीए प्रशासन के स्तर पर वार्ताओं का दौर जारी रह सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई अच्छा सरकार की नजर नहीं आई, प्रभावितों को किसी तरह का कोई आर्थिक मुआवजा जो है